नमस्कार, भारत टुडे समाचार में आप सभी का स्वागत है। फिर से एक नए पंडाल से मैं हूं राहुल जगजीत। आज मैं नवरात्रि के नए पंडाल पर लेकर चलता हूं। यहां पर ये दरभंगा के आनंदपुर जगह है जहां पर नवरात्रि का त्यौहार शालों से मनाया जाता है और भव्य त्यौहार यहां पर मनाया जाता है। ये पर्सनली यहां पर पूजा किया जाता है शहोरा गांव के जो निवासी हैं उनके द्वारा, लेकिन यहां पर बहुत ही दूर दूर से लोग बहुत सालों से आ रहे हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर माँ को प्रसाद चढ़ाते हैं और भव्य जो आयोजन है उसको देखते हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक आयोजन भी होता है, कार्यक्रम भी होता है और देखिए कितने भव्य तरीके से मूर्ति का निर्माण किया गया है इस बार। कैसे गणपति बप्पा का को मिठाया गया है, इसके बाद माँ का जो भव्य चेहरा दिया गया है, देखिए किस तरह से यहाँ पर मूर्ति का निर्माण किया गया है। इस जगह पर आप देख सकते हैं आनंदपुर सहोड़ा जगह है जहाँ पर ये मूर्ति का ये जो नवरात्रि का मैं आयोजन दिखा रहा हूँ आपको, ये आनंदपुर और सहोड़ा का जगह है। यहीं पर कॉलेज भी है और यहीं पर आसपास में स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है। दूर दूर से बच्चे आते पढ़ने के लिए और ये माँ दुर्गा का आप भव्य मूर्ति देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। प्लीज़ इस चैनल का मदद करना ना भूलें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें पूरे नवरात्रि का विशेष कवरेज बिहार के दरभंगा जिला और मधुबनी जिला से। यहाँ पर मिथिलावासी जो लोग रहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से नवरात्रि मनाते हैं और भव्य ये आयोजन आपके स्क्रीन पर माँ दुर्गा का भव्य यहाँ पर देख सकते हैं, सिंह की सवारी। और ये भव्य जो यहाँ पर आयोजन किया गया है, मूर्ति का निर्माण किया गया है कुम्हार के द्वारा, काबिले तारीफ है, बहुत ही बड़ा आयोजन। देखिए लगातार कवरेज नवरात्रि के ऊपर दरभंगा और मधुबनी से। देखिए आगे विशेष कवरेज। क्या नाम है? हमारा नाम सुमन कुमार झा हुआ। यहाँ पर यहाँ करीब 80-85 साल से जैसे हम लोगों की जानकारी है वहाँ से यहाँ नवरात्रा दुर्गा मनाया जा रहा है। जैसे यहाँ 15-20-25 वर्ष से हम लोग के अंदर में ये मेला हो रहा है, ठीक है। उसके इस मेला में जो है सो हमारा एक कमेटी बना हुआ है जो आनंदपुर दुर्गा पूजा समिति के नाम से उसका नाम दिया गया है और हर साल की भांति इस बार भी मनाया जा रहा हूँ, जिसमें हमारे 40-45 मेंबर हैं जिनको सारे कार्ड दिए गए हैं, पंडाल की व्यवस्था कराया गया है, पूरे प्रतिमा अंदर हैं, उनकी नवरात्रि से पूजा किया जा रहा है। हमारे सारे पंडित 4-5 हैं, हम लोग भी उसमें हैं सम्मिलित और जो है सो सारे का पोस्ट दिया गया है। जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जैसे कल से दो दिन का प्रोग्राम हमारा सांस्कृतिक चल रहा है, उसमें कलाकार आ रहे हैं, मेला दर्शकों मान के चलिए 15,000-20,000 दर्शक आने की संभावना होता है, जहाँ की मान के चलिए अभी तक 10,000 की है। कैसे मैनेज कर रहे हैं हम लोग? हमारे कार्यकर्ता है, चारों तरफ गेट खुला हुआ है मेरा, लोग जा रहे हैं पूजा करके निकल रहे हैं। हमारे कमेटी मेंबर सारे काम कर रहे हैं, उसके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। बल प्रधान उधर चल रहा है, कुछ घंटों दो घंटे के लिए टेंशनबाजी बना पड़ा है, उसके बाद जो है सो हमारे सारे सेटलमेंट हो जाएगा। बल प्रधान का काम खत्म हुआ, बाद में हमारा जो है टेंशन फ्री हो जाएगा। 10 बजे तक, हाँ 10 बजे तक हमारे विसर्जन हो जाएंगे। विसर्जन यहाँ से पूजा पाठ करके विसर्जन हो जाता है, इस बगल कॉलेज में हमारी पोखरा है, यहाँ से ले जाके रात के 8 बजे हम लोग जल प्रवाह करते हैं। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर यहाँ से लोगों के लिए? यही कर जितने भी भक्त लोग आ रहे हैं इनके लिए सालों साल के लिए सुख समृद्धि मिले और नवरात्रा भगवती जो है सबके लिए जो है सो वरदान दें, जो अच्छी कामना करके आए हैं लोगों का जो है सो मान के चलिए मनोकामना पूरा होता है, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं, बल प्रदान होते हैं, पूजा पाठ करके लोगों की हर साल की भावना है, जिज्ञासा है। 30-40 साल से हम लोग मना रहे हैं यहाँ, हम लोग की रिलीजन से वैसे यहाँ जो है सो 80-85 साल से रिकॉर्ड है जो नवरात्रा मनाया जा रहा है। अंदर में बहुत परेशानी है, बता नहीं सकता, भक्तों का इतना भीड़ लगा हुआ है कि हम लोग बता नहीं सकते हैं कितना परेशानी है, जबकि सभी व्यवस्था किया गया है अंदर में, सभी तरह का व्यवस्था, पंखा लगाया गया, तब पर भी भक्त का इतना पर यहाँ पर इतना मतलब जोश है कि हम लोग यहाँ पर रोक नहीं सकते हैं। इतना महिलाएं भी आ रही हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं, बहुत सारी इसके लिए हमारे स्टाफ मतलब जितने भी मेंबर है वो लोग उपस्थित है अंदर में और उनका जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं। कितने लोग दर्शन कर चुके होंगे वहाँ?
हमारे हिसाब से तो लगभग 10,000 से ऊपर ही हो गया होगा। तो कितना सुबह से कितना भीड़ था? बहुत भीड़ था, कम से कम 3-4 हज़ार आदमी थे। कितने पंडित हैं यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम 20-25 पंडित जी। और सुबह से शाम तक कितने लोग आने की अभी आज संभावना है? अभी तो बहुत लोग आएंगे, क्या कहे तो यहाँ पे बहुत अच्छा से पूजा होता है, इसीलिए बहुत आदमी आएंगे। संभावना है, क्या नाम हुआ? शिवम कुमार जी। शिवम कुमार, चलिए धन्यवाद। आप देख रहे थे दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड अंतर्गत आने वाला गांव सहोरा और आनंदपुर में होने वाला पूजा, दुर्गा पूजा का विशेष कवरेज। इस चैनल का मदद करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए पूरा कवरेज लगातार नवरात्रि के ऊपर। कैसा लगा कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक।